हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नताशास किचन चैनल। आज मैं आपके लिए सुपर टेस्टी वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी लाई हूँ। इसमें हमने बहुत सारी वेजिटेबल्स यूज़ करी हैं, जिससे ये टेस्टी होने के साथ काफ़ी हेल्दी भी है और फटाफट से रेडी हो जाता है। रोज़ के खाने से जब हम बोर हो जाते हैं, कुछ अलग खाने का मन करता है, तो 15 से 20 मिनट में आप इसको बना के रेडी कर सकते हैं। खाने में सुपर टेस्टी लगेगा। तो आइए चलिए बना लेते हैं वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी। तो मैंने पुलाव बनाने के लिए एक बाउल लिया है। इसमें लगभग जो पुलाव वाले राइस आते हैं, 2 कटोरी के आसपास में ये राइस ऐड कर रही हूँ। तो आप भी इसे बिल्कुल पुलाव वाले राइस से बनाएंगे तो एकदम खिले खिले बनेंगे और फटाफट से रेडी हो जाएंगे। आप दूसरे राइस से भी इसको बना सकते हैं। अब इनको इन्हें अच्छे से वॉश कर लेना है, जब तक इसका ये धुंधला सा पानी साफ ना हो जाए, एकदम क्लीन ना हो जाए, तब तक हम इसको पानी चेंज कर करके अच्छे से वॉश कर लेंगे। फ्रेंड, अब ये मैंने सोक करने के लिए रख दिए हैं चावल। इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए सोक करेंगे। जब तक ये सोक हो रहे हैं, हम गैस ऑन कर लेते हैं, गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे। अब इस पे एक हम कुकर रखेंगे। हम पुलाव कुकर में बना रहे हैं, आप चाहें तो इसे भगोनी में बना सकते हैं। तो मैं अब इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करूँगी। 2 टेबल स्पून के आसपास मैंने रिफाइंड ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। पुलाव में घी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, तो 1 टेबल स्पून के आसपास मैं इसमें घी भी ऐड करूँगी। आप चाहें तो कम पूरा तेल में, चाहें तो पूरा घी में भी बना सकते हैं। फ्रेंड, जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, तब हम इसमें सूखे खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो ये 5-6 मैंने काली मिर्च ले ली हैं साबुत, इनको साबुत ही डालना है आपको। अब ये 4-5 मैंने लौंग डाल दी हैं साबुत। अब इसमें मैं दालचीनी के टुकड़े डालूँगी 1/2 इंच के आसपास। देन ये 3-4 मैंने इलायची लिए हैं, इन्हें फोड़ के डालना है। अब मैं इसमें 2 तेज़पत्ता डालने वाली हूँ और इन्हें अच्छे से क्रैकल करना है। जब ये अच्छे से क्रैकल हो जाएंगे, तब हम इसमें शाही ज़ीरा डालेंगे, 1 टीस्पून के आसपास शाही ज़ीरा। जब हमारा ज़ीरा अच्छे से क्रैकल हो जाएगा, तब हम इसमें आगे के मसाले ऐड करेंगे। फ्रेंड, इनको अच्छे से एक बार चला लेना है। इनकी फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी आती है घी में, तो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है ये पुलाव। तो आप भी ज़रूर इस तरीके से मेरी फटाफट से पुलाव की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड, अब 3 से 4 ये मैंने हरी मिर्ची स्लिट करके डाल दी हैं। एकदम इनको बारीक करके डालना है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इनको अवॉइड भी कर सकते हैं। जब हमारी मिर्ची अच्छे से भुंज जाएंगी, अब फ्रेंड्स हम इसमें हींग ऐड करेंगे। 2 पिंच के आसपास हींग ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब फटाफट से हम इसमें सूखे मसाले ऐड करने वाले हैं। तो मैं 1/2 स्पून के आसपास इसमें हल्दी ऐड करने वाली हूँ। हल्दी आप 1/2 स्पून ऐड कीजिएगा, ज़्यादा नहीं। अब इसमें 1 स्पून के आसपास रेड चिली पाउडर और सूखा खड़ा धनिए का जो पाउडर होता है, वो 1.5 स्पून के आसपास में डाल के आसपास इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये जले ना फटाफट से। अब मैं 2 बड़े टमाटर लिए बड़े साइज़ को, इनको काट के मैंने ऐड कर दिया है, ताकि हमारे मसाले जले ना। अब इनको मीडियम फ्लेम पर, जब तक हमारे टमाटर अच्छे से गलेंगे नहीं, हम इनको पकाएंगे। अब ये मैंने 1 टीस्पून के आसपास कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करा है। फ्रेंड, आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट इसमें ऐड कीजिएगा। और कश्मीरी जो लाल मिर्च होती है, उससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, तो आप ये ज़रूर ऐड कीजिए। अब हम इसमें एक सीक्रेट मसाला डालने वाले हैं, जिससे 100 गुना इसका फ्लेवर और इन्हेंस हो जाएगा। तो मैं अब इसमें ऐड करूँगी 1.5 चम्मच के आसपास पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाले से एकदम बिरयानी वाला टेस्ट आने वाला है इस पुलाव में, और खाने में सुपर टेस्टी होगा। इसको डाल के अच्छे से भूंजना है। अब मैंने ये 1/2 कटोरी के आसपास फिटा हुआ दही ले लिया है, इसे भी ऐड करेंगे। इससे ऐड करने से पुलाव का जो फ्लेवर है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। और आप इसे ऐसे ही बिना अचार पापड़ के भी खाएंगे, तो आपको किसी भी चीज़ की इसमें अलग से ज़रूरत नहीं लगेगी, क्योंकि हम ढेर सारी वेजिटेबल यूज़ कर रहे हैं, दही ऐड कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा रिच फ्लेवर आएगा। ये देखिए, हमारी ग्रेवी एकदम बन के तैयार है, ऑयल निकल गया है। अब इसमें हम सोया चंक्स ऐड करेंगे। सोया चंक्स ऐड करने से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, एक बिरयानी वाला टेस्ट आता है। तो मैंने थोड़े से सोया चंक्स ले लिए हैं और इनको लगातार चलाते हुए पकाना है। जब तक ये पक रहे हैं, हम इसमें अब वेजिटेबल ऐड करने वाले हैं।
फ्रेंड मैंने सीजन के अकॉर्डिंग वेजिटेबल ली हैं। ये हाफ कटोरी के आसपास मटर है, एक गाजर है, कुछ गोभी के टुकड़े हैं और डेढ़ आलू के आसपास मैंने डाइस में कट कर लिया है। ये सारी वेजिटेबल अभी काफ़ी फ्रेश आ रही है मार्केट में। आप इसमें बींग, शिमला मिर्च वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, या आपको जो वेजिटेबल पसंद है, आपके घर में जो बच्चे खाते हैं उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी वेजिटेबल ऐड करके इस पुलाव को बनाएंगे तो खाने में ये सुपर टेस्टी लगेगा। सारी वेजिटेबल ऐड कर ली है, अब हम इनको 40% तक हमें इनको कुक करना है, बाकी ये राइस के साथ प्रेशर में कुक करेंगे। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, एक बार अच्छे से नीचे से चला देंगे ताकि हमारी सब्जियां जले ना, और इनको 40% तक हम कुक कर लेंगे। फ्रेंड हमारे मसाले और वेजिटेबल अच्छे से मिक्स हो गई हैं, सारी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं। अब हमने जो सोक करके राइस रखा था 2 कटोरी के आसपास, उसका पानी निकाल के हम पूरा का पूरा राइस इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा राइस आपको ऐड करना है और मेजर इसमें पानी का इस हिसाब से लेना है। जैसे हमने 2 कटोरी चावल लिए हैं तो हमें 3 कटोरी के आसपास इसमें पानी डालना है। अगर आप इसमें जस्ट डबल पानी डाल देंगे तो ये हल्का सा गीला बनेगा, इसलिए आप ध्यान रहे अगर आप 2 कटोरी चावल लें तो 3 कटोरी के आसपास इसमें आप पानी ऐड कर दें। अब चावल और वेजिटेबल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से चारों तरफ से मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो हमारे राइस अच्छे से भुंज गए वेजिटेबल के साथ, तो मैंने ये 3 कटोरी के आसपास इसमें पानी ऐड कर दिया है। एक बार अच्छे से चला दूंगी और इसमें हल्का सा बॉईल आएगा, फिर इसके बाद में हम ढेर सारा फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया काफ़ी फ्रेश फ्लेवर देता है और खाने में सुपर टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड ये मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है, ढेर सारा हरा धनिया ऐड करना है और एक बार स्पून से इसे अच्छे से चला देना है। बस हमारा पुलाव बनके रेडी है, हमें फटाफट से इसे एक बार अच्छे से स्पून से चला देंगे और कुकर का ढक्कन लगाकर हमें इसे हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने तक कुक करना है। तो फ्रेंड ये मैंने ढक्कन लगा दिया है, बस सीटी आने का वेट करना है। फटाफट से ये देखिए मेरी सीटी आने वाली है, ये सीटी आ गई है। 1 सीटी जब आ जाएगी तब हम इसे जो गैस का फ्लेम है मीडियम करके 2 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे। ध्यान रहे सेकेंड सीटी ना आने पाए। अब इसका प्रेशर जब ठंडा हो जाएगा तब हम पुलाव को ओपन करके देखेंगे। फ्रेंड देखिए कितना खिला खिला फ्रेश हमारा पुलाव बना है, हर एक चावल बिल्कुल भी फिटे नहीं है, अलग अलग है हर एक चावल का दाना। हम इसमें सारी वेजिटेबल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्रेग्रेंस तो इतनी गजब की आ रही है कि आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे बिना इस पुलाव को बनाए। तो फ्रेंड ज़रूर से इस पुलाव को बना के देखिए, मैं फटाफट से इसको सर्व कर लेती हूँ फ्रेंड एक प्लेट में। आप भी ज़रूर इस पुलाव को इस तरीके से बना के देखेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ही पसंद आएगा। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं और आपका कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है तो आप इस तरीके से पुलाव बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। घर में सभी को पसंद आने वाला है, बच्चे हो या बड़े, सुपर टेस्टी होता है। और इसमें जो हमने बिरयानी मसाला और दही ऐड करा है उससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, खाने में सुपर टेस्टी लगता है। और अगर आपको मेरी ये वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।